नमस्कार, मैं हूं रियाज खान। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान का खास शो एजेंडा क्या है। एजेंडा क्या है, इस शो में हम जो नव निर्वाचित विधायक हैं उन सभी विधायकों से बात करते हैं। उनकी आगामी 100 दिनों की जो कार्य योजना है, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से वादे किए हैं, अब उनको किस तरह से वो पूरा करना चाहते हैं, आगामी 100 दिनों में उनका क्या प्लान रहेगा, किस तरह से वो अपने क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने का काम करेंगे, इसको लेकर उन्होंने क्या प्लान बनाया है, क्या रूपरेखा बनाई है, इन सभी बातों को लेकर हम सभी नव निर्वाचित विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। झालावाड़ के खानपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। खानपुर विधायक सुरेश गुजर, जो कि कांग्रेस से जीत कर आए हैं, झालावाड़ जिले में मात्र एक ही सीट कांग्रेस जीत पाई है, वो भी पिछले 20 सालों के अंतराल के बाद कांग्रेस ने यहाँ पर विजय प्राप्त की है। खानपुर में सुरेश गुजर जीत कर आए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वह खानपुर की जनता के लिए आने वाले 100 दिनों के अंदर क्या काम करने वाले हैं, उनका क्या प्लान रहेगा। सुरेश जी, खानपुर की जनता के लिए आने वाले 100 दिनों में क्या मुख्य रूप से आपका एजेंडा रहेगा, क्या प्लान रहेगा? देखो, जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूं, सबसे पहला मेरा कार्यक्रम था घर घर मतदाताओं के बीच जाकर, गांव गांव ढाणी जाकर उनका सबसे पहले तो मैंने भर से मैं उनका धन्यवाद आभार घर घर जाके, गांव और ढाणी जाके दिया। जिस समय मैं उनको धन्यवाद देने गया, चुनाव में गया, 5 साल पहले मैं चुनाव हार गया था, जब भी गांव गांव ढाणी ढाणी गया मैं 5 साल की जो कार्य योजना है उसमें आपको बता दूं कि हर गांव में जो जो मुख्य जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पंच पटेलों के बीच पर बैठकर, मंदिर पर बैठकर, सभी धर्मों के लोगों के बीच में बैठकर बातचीत कर गांव की जो जिनाइन समस्याएं, 2 से 5 समस्याएं जो बहुत जरूरी होती है, उन समस्याओं को मैं हर गांव डाणी में चिन्हित कर रहा हूं। इसके बाद मैं विधायकों से कराऊं चाहे सरकार से कराएं, एक एक दो दो गांव की जो मूलभूत समस्याएं, उन समस्याओं को हर वर्ष में एक एक दो दो समस्याओं को मैं समाधान में करता जाऊं। जैसे अभी आपने कहा कि मैं 5 वर्ष की कार्य योजना पे बात कर, अभी हम बात कर रहे हैं 100 दिवसीय कार्य योजना पे। आपने देखा है कि जो भी सरकार आती है वो पहले 100 दिन की बात करती है, अभी सभी विधायक अपने 100 दिन की कार्य योजना पे बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम 100 दिन की क्या कार्य योजना रहेगी वो जानना चाहेंगे आपसे। मेरी सबसे पहले 100 दिन की कार्य योजना में मैं आपको बता दूं, कानपुर विधानसभा में 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, पहली बार इस विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव जीता। जनता ने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया, जनता मेरे पर जो विश्वास व्यक्त किया है, बहुत आशा है जनता को मेरे से। 100 दिन के अंदर सबसे पहले तो मैं बकानी जो ब्लॉक आता मेरे, यहाँ पर पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, जो 4-5 जो पंचायतें हैं, आगरिया, कुशलपुरा, मोड़ी, मरखेड़ा, इन 4-5 पंचायतों में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत भी इनको निचोड़ा गया। 2 साल पहले हमारी सरकार थी, मैंने प्रयास करके उनको छापी से मैंने जुड़वाया, टेंडर भी उनके हो गए, पर अभी तक छापी परियोजना ने जिसको भी टेंडर दिया अभी तक काम चालू नहीं हुए। बनते ही सबसे पहला मेरा प्रयास था, टेंडर हो गए, काम क्यों चालू नहीं हो रहा, तो मैंने उनका काम चालू कराया। मैं चाहता हूं कि 100 दिन के अंदर उनके पाइपलाइनों का काम चालू हो जाए, टंकी निर्माण का उनका काम चालू हो गया। रोड की मैं बात करूं, बारिश में रोड टूट गए, फूट गए, पीडब्ल्यूडी एक्शन से, एसी से मैंने बात कर मैं प्रयास कर रहा हूं कि 100 दिन के अंदर जो गड्ढे हैं वो गड्ढे 100 दिन के अंदर ही छोटे मोटे गड्ढे भर दें। पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी बात सुरेश गुजर कर रहे हैं। इनके इलाके में, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है खानपुर से लेकर बगानी तक फैला हुआ है, बड़ा काफी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा तक फैला है। कई इलाकों में वास्तव में पेयजल की गंभीर समस्या है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता। अब इन्होंने कहा है कि ये 100 दिन के अंदर इनके पूरे प्रयास रहेंगे कि लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके, उनके घरों तक नल से पानी पहुंच सके, ऐसे ये प्रयास कर रहे हैं। काम शुरू करवाने के लिए ये बड़ी ही मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने सड़कों को ठीक करवाने की बात कही है,
खानपुर क्षेत्र में बाढ़ से 2 साल पहले भी काफी नुकसान हुआ था सड़कों को, उसके बाद कुछ सड़कें ठीक हो गई, कुछ सड़कें अभी भी खराब हैं। तो इन्होंने सड़कों के निर्माण की, उनको ठीक करवाने की बात कही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, उनको लेकर भी इन्होंने अपना एजेंडा निर्धारित किया है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, अन्य और भी कई क्षेत्र हैं, और आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। जैसा आपने बताया सुरेश जी अभी, पेयजल और सड़कों को लेकर, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई समस्याएं व्याप्त हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा जो हॉस्पिटल है बकानी है, कानपुर है, चिकित्सकों की कमी है, सारोला है, बनवाड़ा भी मैंने पीएससी से सीएससी करवाया। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो अभी सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार आजकल में होने वाला, जो भी राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री बनेंगे उनसे मिलकर मैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है डॉक्टर्स की कमी है, मेरा प्रयास रहेगा मैं डॉक्टर लगाऊं, नर्सिंग स्टाफ लगाऊं ताकि टाइम पर लोगों को इलाज मिले। शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों ने, हमारी सरकार ने स्कूल क्रमोन्नत किए, टीचर्स भी लगा, जहां पर टीचर हमारी सरकार के टाइम नहीं लग पाए या विधायक जी ने पूरे उन्होंने प्रयास नहीं किए, नहीं लगे, मेरा प्रयास रहेगा जिन स्कूलों में पुस्तकालय व्याख्याताना नहीं है, हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल नहीं है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, शिक्षा मंत्री से मिलकर मेरा प्रयास रहेगा कि वहां पर टीचर्स लगे ताकि बच्चों को असुविधा नहीं हो पड़े। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक बांध है भीमसागर बांध, झालावाड़ के सबसे पुराने बांधों में इसकी गिनती होती है, यहाँ के नहरों से पूरे इलाके में सिंचाई होती है। आपका खानपुर विधानसभा क्षेत्र मूलतः कृषि प्रधान इलाका है, वहाँ नहरों को लेकर काफ़ी समस्या कुछ सालों से देखी जा रही है, आपने भी नहरों के सुदृढ़ीकरण और उनको दुरुस्त करवाने की बात कही थी, किस तरह से काम करेगी उसमें? देखो, भीमसागर डैम सबसे बड़ा डैम है मेरे इलाका में, जो खानपुर की हजारों हेक्टर भूमि उसमें सिंचित होती है। भीमसागर डैम की जो नहर है उसके पिछले वर्ष काम हुए थे लेकिन घटिया निर्माण हुआ। मैंने वहाँ के जयन अयन से बात करी है, जो घटिया निर्माण हुआ मैं उसकी जांच कराऊंगा, और जो नहरें टूटी फूटी हैं, किसानों के खेत बढ़ जाते हैं, क्यों नहरों में गुणवत्ता ठीक नहीं है, जब गुणवत्ता ठीक नहीं है तो नहर में जब पानी छोड़ते हैं तो नहर कहीं से भी बीच में से टूट जाती है और किसानों के खेत बढ़ जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपये का किसानों को नुकसान हो जाता है। मेरा प्रयास है कि जो नहरें टूटी हुई है उन नहरों को सही करें और एंड तक टेल तक किसानों को पानी मिले, ये मेरा प्रयास है। कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने अपनी जनता को संदेश दिया है कि वे उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रयास उनके द्वारा हमेशा जारी रहेंगे, जनता ने जो उनमें विश्वास जताया है उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, यही वह कहना चाहते हैं। उन्होंने जनता को यही संदेश दिया है तथा उन्होंने कहा है कि आने वाले 100 दिनों की जो उनकी कार्य योजना है उसको लेकर वह बड़ी ही सजगता और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, जनता की समस्याओं को दूर करेंगे, और फिलहाल जो उनका एजेंडा है उसको लेकर उन्होंने हमसे खुलकर बातचीत की, उन सभी चीज़ों के निराकरण को लेकर वह अभी से जुट गए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार, जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और उसका जब विस्तार हो जाएगा तो उसके बाद विभागीय कार्यों में वह पूरी मुस्तैदी से तेजी लेकर आएंगे और जनता की विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ के खानपुर से रियाज खान।